पर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां पर तापड़िया नगर इलाके के रहने वाली धीरेन्द्र की बच्ची का देर रात स्वास्थ्य खराब हो गया, जिससे उपचार के लिए ऑर्बिट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची का अंतिम संस्कार किया। इसी बीच रामदास पेट पुलिस शमशान पहुंची और शव को जलाने से रोका है। बताया जा रहा है कि ऑर्बिट हॉस्पिटल ने पुलिस को गलत जानकारी दी है कि वह बेहोश है, जबकि बच्ची की मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ने हॉस्पिटल से बच्ची की मौत का कारण पूछा तो हॉस्पिटल ने कारण देने से साफ इंकार कर दिया। बच्ची के चिता जलने से रोकने की वजह से परिजन आक्रोश में आ गए। परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। अरे रात को उन्होंने बोला कि आपकी बच्ची की डेथ हो गई, बिल भरो और डेड बॉडी ले। मैंने बोला ठीक है। मेरे भाई का मेरे को फोन आया, मेरे भाई की लड़की है, मेरा भाई है तापड़िया नगर में रहता है, कल्लू तिवारी उसकी लड़की है। उसका मेरे को फोन आया, भैया ऐसा ऐसा हो गया, मैं 1 बजे आया यहाँ पे। तो वो बोले कि भाई, सर ने बोले कि बच्ची की डेथ हो गई, आप डेड बॉडी ले जाओ। उन्होंने बिल बोला 9,200 रुपये बिल, वो हमने बिल पेड किया। वो बोले डेड बॉडी ले जाओ, हमने डेड बॉडी लेके घर पे चले गए। ये मेरे को पुलिस स्टेशन में वहाँ के थाने में जो इंचार्ज था, ड्यूटी इंचार्ज, उसने बोला। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कंसल्ट डॉक्टर थे, डॉक्टर अनूप कोटर, उनसे कंसल्ट किया। वो बोले कि जब आपको पुलिस वालों ने ऐसा बोल दिया तो आप बॉडी को डिस्पोज कर सकते। उसके बाद मैं बॉडी को डिस्पोज करने ले गया तो वहाँ पे पुलिस वाले मेरी बॉडी डिस्पोज करते हो आगे, और बोलते कि भाई ये बॉडी डिस्पोज नहीं कर सकते आधी बॉडी, क्योंकि क्योंकि बोले वो थाने को कोई रिपोर्ट ही नहीं आया। वो बोले नो।